राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे दोपहर का 1 बज चुका है। काफ़ी लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि अपना जो सारा काम है वो मैं निपटा चुकी हूँ। वीडियो का भी काम मैंने कर दिया है, वीडियो तो आप लोगों के पास पहुँच भी गया है कब का। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दही दिखा रही थी, मिट्टी की जो मटकी है छोटी सी मेरे पास, उसमें मैंने दही जमाई थी कि कितनी अच्छी जो दही है ना वो जमी है। और आज मैंने बनाए हैं खाने में नमकीन चावल, साथ में है दही, साथ में सलाद है, और साथ में मैंने 1 कप लस्सी बना ली थी दही की, क्योंकि मुझे दही ना ज़्यादा पसंद नहीं है। दही के साथ जय खाएगा। कौन ही बना दी? मैं तो मेरे कार्य कर रही हूँ, मेरी तरफ है कैमरा। मेरी तरफ है कैमरा, मेरी तरफ है बेटा, जितनी भी खिड़ाई है। अभी यो ना सेब उतार रहा था और इस पर सेब गिर गई और ये इतना डर गया ना, कान पकड़ के खड़ा हो गया था, सॉरी बोल रहा था। और देखो इधर डरदा अनु को है, मम्मी मेरी वीडियो ना बनावा है। वीडियो को नहीं बनवागे खुशी हो बिल्कुल भी, जब यू कोट कर रहे हो खास करते हैं। यू इवनो सोचा है भाई यू इतना ऊत बच्चा काबू में कुकर आ गया रख दे टोकरी में, रख दे सारे, नहीं पिटाई करूंगी बहुत ज्यादा। हाँ इसमें क्यों रख रहे हैं प्लेट में? अरे प्लेट वाली सेब खा ले जो काट कर रखी है। शे नहीं शेब, बंदर ना सारी है उसमें खिंडा दी मैंने दिखा है ना के थी। वो केला भी उठाओ, दे वो केला रह गया, वो केला रह गया बाल्टी के पास। झाड़ू भी निकालनी पड़ेगी, नरी माचिस की हो रही है तिल्ली। हाँ टोकरी में रख दे इन जचा दे सारी से बंद है, श्याणा मत बढ़ ज्यादा। ओ वहां को नहीं रखी जा, मैं रख दूंगी रहने दे। और अब मैं निकल पड़ी हूँ जय की क्लास के लिए। 3:21 हो चुके थे घर से ही, काफ़ी लेट थे, लेकिन हम भागे भागे आए हैं क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम और लग गया, नोटबुक लेनी थी, लेकिन फिर भी हम 3:32 पे पहुँच चुके थे। मतलब वे 8-9 मिनट में हम पहुँच गए और बीच में नोटबुक भी ली, बिल्कुल भागे भागे गए। और आराम से हमें 13-14 मिनट आराम से लग जाते हैं वहाँ पर जाते जाते, लेकिन आज हमने स्पीड पूरी खींच रखी थी माँ बेटे ने। तो अब क्लास लगवा करके निकल लिए थे, 4:20 पे जय की क्लास ख़त्म हुई थी। और उसके बाद फिर कुछ टाइम पैदल में भी लग जाता है, कुछ टाइम ऑटो में भी लग जाता है, फिर बस भी टाइम लगा बस मेरे को भी। आज मैं जा रही हूँ अब घर पे, क्योंकि एकदम से ना मन हो गया था मेरा। और ये भी बोल रहे थे कि मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन इनको कुछ काम था, वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लिप थोड़ी निकली हुई है, तो इस करके मैंने कहा कोई बात नहीं मैं ही आ जाती हूँ। और वैसे भी मेरा ये था कि अब की बार मैं यहाँ पे रह जाऊंगी, ना ही आ रहे थे, लेकिन थोड़ा 2-3 दिनों से मूड ऑफ था ना, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सीमा आ जाए, थोड़ा सा तेरे को भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे रह करके चली जाना 2 दिन, वहाँ पे क्या करेगी, छुट्टी तो है ही। तो इस करके बस हम निकल लिए थे और अभी बस हम जींद पहुंच चुके हैं। रास्ते में मैंने पूरे रास्ते कोई क्लिप नहीं निकाली, बस ये छोटी सी क्लिप मैंने निकाली थी। और उसके बाद मैं आप लोगों से सीधा घर पर जाने के बाद मिलती हूँ। आई आई मेरा बच्चा कौन उठ कर दे पर चुप गया रे नुए सी भाई ओए रे आ जाओ या भाई मेरा परिवार इकट्ठा देखो ले बस बेटा और अपनो रगड़ा दे इसके ये बताई थी तू मेरे दौर तक कन्ने का कान रगड़ूंगी यार बड़ी बार पर से नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते ऐसे नहीं बोलते दादी को दादा के नमस्ते करे हैं ओए छोरा ना मुश्किलें पाया मेरे काके के तो 3 दिन हो गए रुवे लाग रहे हैं मम्मी दादा मम्मी दादा हो गया मैं 15 दिन हो गए तो 15 दिन में तो जाए चल बस आज लट्टू तो चास लेंदा भूंड बाजनगी हो रही है बस चम्मा मच्छर हाँ मच्छर तो पापा
देखो मेरी अजवाइन प्लांट्स है नहीं, कितना बहुत अच्छा लगा मैंने यार, पता नहीं। हाँ बेटा सारे प्लांट्स बहुत अच्छे। दिवाली आने वाली है कि? हाँ बेटा दिवाली अभी तो नहीं, अभी तो बहुत दूर है दिवाली, नुए है ये तो। बस इसने ना हफ्ते पार्सल खोलन की हो जाए है। ये बेडशीट मंगवाई थी बेटा पांच से, तीन द्वारे रह गई होंगे दो, इसके पापा ने वहाँ आई होगी आज लिली आई होगी, चार तो एक गणे दिन की आ रही है। एक लेट थी पर मेरा तो चढ़ा है या मैं गणी मुंडी चढ़ा है। प्यारा सी बबू, प्यारा सी बेटी है मेरी, कुछ नहीं पूरा पर्स पन रगड़ाया मैं, शर्मा मैं पन रगड़ूंगी। और फिर ये एक मिनट पाछे रंदी गई, मैं क्या हो गया मेरा तो बात काम गया, मैं क्या हो गया से पूछते न गया। तू तेरी दादी का मुगात ना कमाया कर बात बात पे। मन का यो पैरियां तो यहां आप खा गया, मैं फूट गया इसका। ए बेटा ले, तो इस टाइम पे 8:15 हो गए, 8:30 आया कर देना मैं उठ गेड़े दो बार आई, 8:30 है ना। हाँ नौ आज फिर ना वो मतलब टोआना की बस पा गई थी सीधी, नरवाना को नहीं उतरना पड़ा और इनका भी चक्कर हो गया बच गया, भाई सीधे यहीं पे चले गए थे हमारा जो गुआंड है कमाल वाला वहां पे, वहां तो लेके आए हैं। आवे तो वह डेली में है बस इस टाइम पे, एक इस 15 मिनट पीछे भी आवा है वो कनेक्टर कहन लग रहा था दूसरे ने, तो फिर इसे मैं नहीं आ जावा इतनी दूर, इनका भी तो चक्कर मिट जावे ना। मैं तो नू कहे थे डेली, हाँ फिर वो नू तो मैं रोहतक बस स्टैंड में भी खड़ी रही कई देर तक, बस फिर आई जिंदा रही। और यहाँ पे मेरी माँ बना रही है खाना, और जिया लग रहा है खाना आते ही। तेरा नाम क्या है? रोटी बना रही हूँ। देखो बहू के लिए गर्मा गर्म रोटी आपने खा ली? ओहो हो, और जने भी तो खाओ। आपने किस टाइम पता चला? डेढ़ बजे लगता मेरी ये नू थी, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, 2 बजे लग, फिर तो बस कर 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 सारा सौदा लिकट ले हम जल्दी जल्दी। ये बाजरे का चून ले रहे हो? बाजरे का नहीं, बाजरे कोई है ईब इस टाइम है कड़वा हो गया होगा, ये भी बड़े बहमी हैं। है हैं ये तो प्याज गोभी है, ओड़ा है, सब्जी कड़ा है, ओड़ा है, लस्सी मेरे खातर गाल रखी थी। देख लो भाई स्मार्ट बॉय के काम, रोटी खाने बस है, कैमरा स्टार्ट होते बकवास बाजी। वैसे भी तो खा रहा था, दही ले रहे हैं और ये सब्जी बनी बनाई, आलू गोभी मटर गाजर अरबी ना है, मैं आलू है लड्डो पूछ ले। खाना खान लग रही है, आप लोग भी खा लो, मम्मी की भी है के साथ में, मैं खा लू।
तो वही रात ना हो गए थे काफ़ी लेट, उसके बाद कोई क्लिप और निकाली को नहीं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और यो जो व्लॉग है वो किसा लगा गया जरूर बताइयो कमेंट करके, वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए मत देखा करो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, फ्री में होता है तो कर दिया करो, ठीक है ना। और चलो फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।